साथियों, लोक आस्था व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की इस प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूल रूप से हम यह जानेंगे कि इस महापर्व के पीछे की कथा क्या है, कौन है षष्ठी मैया और सूर्य देव के साथ उनकी पूजा क्यों की जाती है। इसके साथ इस महापर्व के कुछ अन्य पहलुओं को भी जानेंगे। तो साथियों, नहा लिया गया है, कपड़े उपड़े पहन लिए गए हैं, अब दौरा उठा के घाट की तरफ बढ़ा जा रहा है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवाय नमः। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है महापर्व छठ के इस पूजा में, इस प्रस्तुति में। तो साथियों, जब आप छठ पूजा के घाट पर पहुंचते हैं तो लोगों की आस्था, उमंग और जोश देख कर आप एक ऊर्जा का महसूस करते हैं उस पूरे वातावरण में। और अगर हम इसके पीछे की कथा की बात करें तो यह कथा सतयुग से भी जुड़ती है, त्रेता युग से भी जुड़ती है और द्वापर युग से भी जुड़ती है। तो जो प्रमुख कथा है, जहां इसकी शुरुआत की बात आती है, उस कथा को सुन लेते हैं। तो पुराणों के अनुसार एक राजा हुए प्रियमवद, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहां यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियमवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियमवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। और साथियों, यह पर्व मनाया जाता है संतान प्राप्ति के लिए, संतान की सुख समृद्धि और उसके स्वास्थ्य के लिए। यह चार दिवस, जो पहला दिवस नहाय खाय के रूप में मनाया जाता है, दूसरा दिवस खरना के रूप में, तीसरा दिवस संध्या वंदना सूर्य देव की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है, और चौथा दिवस ऊषा काल में उदयमान सूर्य की पूजा और उनकी अर्घ देकर समाप्ति की जाती है। और यह जो पूजा है, यह जो महापर्व है, यह महापर्व षष्ठी माँ और सूर्य देवता को समर्पित है, जो एक दूसरे के भाई बहन हैं। और इसी के साथ आपको बताता चलूं साथियों, यह पर्व पूरे बिहार, तटीय क्षेत्र नेपाल, जो बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं, झारखंड में बहुत ही मतलब जोश के साथ, बहुत श्रद्धा और बहुत साफ सफाई के साथ मनाए जाना वाला पर्व है। जब मैं जमशेदपुर रहा करता था तो मुझे याद है कि
मतलब पूरा का पूरा शहर घाट पर आ जाता था सूर्य अर्घ देने के लिए। तो सायंकाल का अर्घ हो चला है, अब वापस फिर घर जा रहे हैं। कल सुबह उषा काल में प्रातः काल सूर्य को अर्घ देने के लिए वापस इसी घाट पर आएंगे। इसके साथ साथियों यह भी बताता चलूं कि इस पर्व का संबंध श्री राम और सीता जी से भी है। कहा जाता है कि जब वह राम राज्य की स्थापना के लिए व्रत रखे तो वह षष्ठी का दिन था, क्योंकि प्रजा संतान मानी जाती है राजन मतलब और रानी के लिए, तो उस हिसाब से भी अपनी प्रजा अपने संतान खुश रहें श्री राम और सीता जी ने यह षष्ठी का व्रत रखा। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, माँ छठी यह प्रकृति के छठवें स्वरूप की देवी हैं और सूर्य देव इनके रिश्ते में भाई लगते हैं। इसके साथ अगर दोस्तों आपको ध्यान होगा तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके छठे जिसको छठी का पूजन बोलते हैं जो किया जाता है, उस पूजन में इन्हीं छठी मैया का ही पूजा अर्चना की जाती है और अपने नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए सुख सुविधा के लिए लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह सब कष्टों से दूर रहे। दिवाली के 6 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और एक मान्यता हमें ले जाती है द्वापर काल में, और यह मान्यता यह है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापिस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की, जैसा मैंने बताया, पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, क्योंकि सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है। इसी के साथ साथियों इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली किसी धार्मिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः। जय छठी मैया। Thank you.
है।